हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर का एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। यहाँ जो आपको कंपाउंड्स दिया हुआ है, इन कंपाउंड्स में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उस एलिमेंट का नेम आपको बताना है। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है क्विक लाइम। क्विक लाइम का केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaO। अब आपको सीधा दिख रहा होगा कि इस क्विक लाइम में कैल्शियम भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट भी प्रेजेंट है, तो आप कैल्शियम एंड ऑक्सीजन आंसर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है HBr। आप सीधा आपको दिख रहा होगा इसमें एलिमेंट हाइड्रोजन भी है और ब्रोमीन एलिमेंट भी है। थर्ड देखते हैं यहाँ पे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इसका केमिकल फॉर्मूला होगा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसमें से आपको सीधा दिख रहा है बेकिंग पाउडर में सोडियम भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बोनेट भी है, मतलब कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, यानी सभी एलिमेंट्स के नेम आपको बताना है। थर्ड देखिए पोटासियम सल्फेट। इसका फॉर्मूला होता है K2SO4। यहाँ पे देखिए पोटासियम एलिमेंट भी होगा इसमें, सल्फर एलिमेंट भी प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन एलिमेंट भी प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखेंगे। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज। मतलब यहाँ पे नीचे दिए गए सब्सटेंसेज का मोलर मास पता करना है। मोलर मास मतलब ये कि मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में जब हम ट्रीट करेंगे तो वो मोलर मास कहलाएगा। इस तरीके से आप इथिन का फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे दिया है C2H2। अब यहाँ पे C2H2 से समझ में आता है कि दो कार्बन है प्लस दो हाइड्रोजन है। अब एक कार्बन का मास 12 है, 2 कर देंगे, प्लस एक हाइड्रोजन का ग्राम 1 होता है तो 2 कर देंगे, जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा आंसर। इस तरीके से सभी का आपको निकाल लेना है। जैसे सल्फ़र मॉलिक्यूल्स का, सल्फ़र मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है S8 मतलब ये हुआ कि एक सल्फ़र का मास 32 तो 8 भी करना पड़ेगा। इस तरीके से टोटल मास आपको 256 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए फॉस्फोरस मॉलिक्यूल्स, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है P4, तो एक फॉस्फोरस का 31, यहाँ पे 4 भी है, 4 कर देंगे तो 124 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से अब देख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका फॉर्मूला HCl होता है, एक हाइड्रोजन का 1 प्लस एक क्लोरीन का 35.5। अब इसको ऐड करेंगे तो 36.5 आ जाएगा। इस तरीके से आप निकालेंगे। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3 होता है, जिसमें हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है और 3 ऑक्सीजन भी है। तो सभी के एटॉमिक मास को आप पुट करेंगे, 1 एक नाइट्रोजन का 14, एक ऑक्सीजन का 16, फिर एक ऑक्सीजन का 16, फिर एक ऑक्सीजन का 16। इस तरीके से ऐड करेंगे 63 आपको आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, 4 ऑफ एल्युमिनियम एटम्स, 10 ऑफ सोडियम सल्फाइड। एक यहाँ पे बात ध्यान देखेंगे, अगर नाइट्रोजन एटम की बात करेंगे तो सिर्फ N बोलेंगे, अगर नाइट्रोजन गैस की बात करेंगे तो N2 बोलेंगे, उसी तरह से अगर ऑक्सीजन एटम की बात करेंगे तो O बोलेंगे, ऑक्सीजन गैस की बात करेंगे तो O2 बोलेंगे। तो मैं आपसे पूछूं कि अगर नाइट्रोजन एटम का मास कितना होगा, एक नाइट्रोजन एटम का मास, तो आप बोलेंगे 14U होगा। उसी तरीके से 1 नाइट्रोजन एटम्स की बात करूँ तो आप बोलेंगे 14 होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 की बात किया जा रहा है तो ग्राम में बोलेंगे। एक एटम की बात, नाइट्रोजन के एटम की बात किया जाएगा तो 14U होगा। तो आपने क्या देखा, अगर किसी भी 1 पार्टिकल्स की बात करेंगे तो उस 1 पार्टिकल्स की बात करेंगे तो उस पार्टिकल्स का जितना एटॉमिक मास होगा वो एटॉमिक मास के इक्वल उसका मास होगा। 1 अगर पार्टिकल्स की बात करेंगे, अगर वो मॉलिक्यूल्स है तो उस उसका जो मास होगा, 1 मॉलिक्यूल्स का मास होगा उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। तो आपने क्या देखा, मैं आपसे पूछूं, 1 आपके पास कार्बन एटम है, ध्यान से देखें कार्बन एटम है, तो आपके पास कितना ग्राम कार्बन एटम है, तो बोलेंगे आप 12 कार्बन एटम है। उसी तरीके से मैं आपसे पूछूं कि आपके पास 1 ऑक्सीजन एटम है तो आप बोलेंगे कितने ग्राम ऑक्सीजन एटम है, तो आप बोलेंगे 16 ऑक्सीजन एटम, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है।
उसी तरह से आपसे मैं पूछूं वन मोल ऑक्सीजन गैस है आपके पास तो कितने ग्राम ऑक्सीजन गैस है, तो आप बोलेंगे 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस है। तो आपने देखा ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन गैस में क्या डिफरेंस है और एक मोल में कितने मास होते हैं, तो एक मोल पार्टिकल्स का मास उसके एटॉमिक मास या उसके मॉलिकुलर मास के इक्वल होता है इन ग्राम्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन यहाँ से। एक मोल नाइट्रोजन एटम का मास आपको मैं अभी बताया कि अगर एक मोल नाइट्रोजन का एटम तो मतलब नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक मास 14 ग्राम में होगा क्योंकि एक मोल यहाँ पे है, तो आंसर डायरेक्टली 14 ग्राम आप मास करेंगे। बी नंबर देखिए, बी नंबर में बोला है 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम एटम्स, तो इससे पहले हम एक मोल एल्युमिनियम एटम का मास निकाल लेते हैं। तो एक मोल एल्युमिनियम एटम का मास, एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27, तो 27 ग्राम हो जाएगा क्योंकि एक मोल एल्युमिनियम है। इसी तरह से आप निकाल लेंगे 4 मोल का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4 मोल एल्युमिनियम का वैल्यू 4 × 27 ग्राम हो जाएगा। थर्ड देखते हैं यहाँ पे 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड, तो यहाँ पे मैं बात करूँ कि एक मोल हमारे पास अगर सोडियम सल्फाइड है Na2SO3 है तो कितने ग्राम सोडियम सल्फाइड है, तो 126 ग्राम सोडियम सल्फाइड है क्योंकि सोडियम सल्फाइड का एटॉमिक मास जो होता है वो मॉलिकुलर मास जो होता है 126 होता है। आप अगर निकालेंगे तो आपको यहाँ से निकालना होगा Na2SO3 का मॉलिकुलर मास 126 ग्राम होता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मास ऑफ वन मोल सोडियम सल्फाइड इक्वल टू 126 ग्राम, तो इसीलिए मास ऑफ 10 मोल सोडियम सल्फाइड का मास कितना होगा, तो 126 × 10 कर देंगे, आंसर आपको यहाँ पे 1260 ग्राम आ जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे बना था। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।